नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हर सैटरडे को हम एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हमारे साथ जो एस्ट्रोलॉजर है और सूरत के जाने माने एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर है, किरण भाई ठक्कर, उनको बापा के नाम से लोग जानते हैं। किरण जी, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जय गणेश। जी, आज एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम लोग जी जो भी लोगों ने क्वेश्चंस उनके भेजे हैं वो हम आज यहाँ से उनका आंसर करेंगे। उनकी लाइव जन्माक्षर यहाँ से देख के हम उनको रिप्लाई करेंगे। पर आज बहुत ही महत्व का दिन है। महत्व का दिन यानी कि गुरु पूर्णिमा दिवस। गुरु पूर्णिमा दिवस के ऊपर मैं सभी एक्जोटिक वेब मीडिया के दर्शकों को वंदन करती हूँ और सभी हमारे जो गुरु है उनको मैं वंदन करती हूँ। और आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे गुरु पूर्णिमा से। तो किरण जी, आज गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है वो हमारे दर्शकों को समझाइए, उसके बाद में हम जो भी क्वेश्चंस आए हैं दर्शकों के वो हम लेंगे। नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जीवन में एक दीवा डांडी रूप है जो भटके हुए इंसान को सही राह दिखाता है। हमारे हृदय में जो आत्म प्रकाश है, वो आत्म प्रकाश की ज्योत गुरु जलाते हैं। इसीलिए गुरु के लिए ये बहुत ही बड़ा दिन है जो पूजनीय रहते हैं। संसार में सबसे बड़ा गुरु को माना गया है, इसीलिए माना गया है। जिनकी राह से, जिनकी दीक्षा से हम कोई सही मार्ग पे चल सके, जीवन में भटके हुए इंसान को सही राह मिल सके और वो अपने जीवन को उन्नत बना सके। बहुत ही अच्छा, धन्यवाद आपका। आज गुरु पूर्णिमा का महत्व आपने बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट में समझाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये जो एस्ट्रोलॉजी सीरीज है दर्शक मित्र, वो ऐसा जो है कि लाइव आपको आपके बारे में जानने के लिए मिलेगा। मतलब आपको आपको बिजनेस पे कैसे आगे बढ़ना है, आपकी बर्थ डेट, आपको बर्थ प्लेस, आपका बर्थ टाइम एंड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, एक से दो क्वेश्चंस आपको हमें भेजने हैं। पर ये जो कार्यक्रम रहेगा हर सैटरडे को रहेगा, तो उससे पहले आपको उसके जो भी डिटेल्स है आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है 9227645700 पे आप भेज सकते हैं, या तो इस लाइव कार्यक्रम के दौरान भी आप कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हैं। लेकिन पर्सनल चीज़ें शायद कोई जाहिर में कहना नहीं चाहता हो तो वो पर्सनल में व्हाट्सएप पे सब भी भेज सकते हैं। सो अभी आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जिनका भी जो क्वेश्चंस आया है उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। उसके बाद आज से हम एक नया सीरीज भी शुरू कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के दौरान आपको एस्ट्रोलॉजी का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। अगर जिनको भी ये नॉलेज लेना है, जिनको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, वो कागज और पेन लेके बैठ जाए, ताकि हमारे ये जो क्वेश्चंस आंसर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में किरण भाई के द्वारा आपको ये बेसिक नॉलेज उनके द्वारा मिलेगा। सो हम शुरू करते हैं। जो जिनके भी प्रश्न और क्वेश्चंस आए हैं, काफ़ी सारे लोगों के आज आए हैं, लेकिन उनमें से आज हमने 5-6 लोगों को ही इंक्लूडिंग किया है। हर एपिसोड में 10 क्वेश्चंस लेंगे, लेकिन कोई ना कोई त्योहार आ ही जाता है हर सैटरडे को। जब से हमने सीरीज स्टार्ट की है कुछ ना कुछ आ ही जाता है। काफी ज्यादा है। जी, तो क्वेश्चंस कम लेते हैं। सो आज जो पूछा है, जिन्होंने, मितेश राठौड़ जी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 1980, 1980। 8 जून 1980, 80। उनका टाइम है 10:12 PM, मतलब रात का 10:12 का टाइम है, और उनका प्लेस है सूरत। हाँ, प्रश्न प्रश्न है, लेकिन बेसिक उनके बारे में आप बताइए, फिर उनके दो क्वेश्चंस हैं वो हम बताएंगे फिर। 8/6/1980 रात को 10:12 सूरत में है, ठीक है। उनका मकर लग्न आ रहा है, लग्नेश 8वें साल में डिप्रेशन में बहुत जा रहा है,
जो काम कर रहे हैं वो काम के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो डिप्रेशन में बहुत चले जाते हैं। नॉलेज भी बहुत अच्छा है लेकिन काम के मुताबिक जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मेंटली डिस्टर्ब बहुत हो जाते हैं। धनु का चंद्र है, जो बिजनेस जो करना चाहते हैं उसके रिलेटेड आज उनका प्रश्न दिमाग में है। हाँ, अभी गोचर के ग्रह दिख रहे हैं उसमें वो एक बिजनेस के रिलेटेड कोई प्रश्न दिमाग में लेके बैठे हैं, जो गोचर का चंद्र उनका दिखा रहा है वो हिसाब से इनका प्रश्न पूछ। उनका जो मतलब डिप्रेशन में जाते हैं तो उनके लिए उनको क्या करना चाहिए? उनको थोड़े से उपाय दिखा देते हैं, जैसे गौ माता को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलाए, उससे उनको काफ़ी राहत मिलेगी। और बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए गणपति दादा को हर बुधवार को एक श्रीफल और 250 ग्राम मिश्री, हर बुधवार को गणपति दादा को एक श्रीफल और 250 ग्राम मिश्री गणपति मंदिर में रखे, और नियमित गौ माता को गेहूं की रोटी और गुड़ खिलावे, जिससे उनको डिप्रेशन में भी थोड़ी राहत रहेगी। मितेश जी, आपका जो आपने जो भेजा था आपका डिटेल्स, उसमें हमने बेसिक नॉलेज किरण जी के द्वारा आपको मिल गई है। बट आपका जो क्वेश्चंस है, जो उन्होंने बताया पहले ही कि आप कुछ बिजनेस के बारे में सोच रहे, तो आपने उनको मुझे लिखवाया ही है कि उनको कौन से बिजनेस में आगे बढ़ना चाहिए, और अभी वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं फूड्स, वेजिटेबल एंड जूस, फास्ट फूड का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये क्या ये सही है? वो सर बताइए। जी, ये फास्ट फूड का तो बिजनेस 100% कर सकते हैं और जूस का भी कर सकते हैं, कोई उसमें चिंता नहीं है। उसके अलावा कोई बिजनेस अगर करना चाहे तो? टेक्निकल जो भी है वो एक टेक्निकल दिमाग का निशान है, तो मतलब फास्ट फूड उसमें भी एक, जूस में भी एक मशीनरी की यूज़ होती है, तो वो उसमें बेटर है, कोई चिंता नहीं। तो उसमें ये ही हाँ, खाने पीने का ही धंधा उनके लिए बेटर रहेगा। जी मितेश जी, आपको मतलब आपने जो अभी प्लानिंग आप जो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन फास्ट फूड का जो बिजनेस है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं, उसमें आपको तरक्की भी मिल सकती है। अभी नेक्स्ट जो जिसका क्वेश्चन है, रितु चैटर्जी, उनका बर्थ डेट है 2 नवंबर 1986, और उनका जन्म समय है मॉर्निंग 10:04, और बर्थ प्लेस है उनका कोलकाता। जो भी दर्शक मित्र ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप भी आपके बारे में जानना चाहते हैं तो जरूर हमें आपका बर्थ डेट, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम एंड आपका नाम, और आपको जो भी कुछ पूछना है वो एक दो क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं। जी, रितु चैटर्जी धनु, के बारे में। जी हाँ, सर। धनु लग्न की कुंडली आ रही है, उनके जन्म के चंद्र पे से चंद्र का पासिंग अभी दिख रहा है, चंद्र से तीसरे स्थान में चंद्र जा रहा है। उनका जॉब के रिलेटेड कोई प्रश्न अभी उनके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि ये जो गोचर दिखा रहा है उनके कुंडली का, तो वो टेंशन में वही है, उनका जॉब या कामकाज के रिलेटेड कोई प्रश्न उनके दिमाग में चल रहा है। उन्होंने वही पूछा है कि हाल अभी की उनकी जो जॉब है उनमें उनकी क्या स्थिति रहेगी, जी, उनको चेंज करनी चाहिए या यही जॉब में वो बनी रहे? अगस्त महीने के बाद में, मतलब 15 अगस्त के बाद में वो जॉब में अच्छा प्रोग्रेस करेंगे, उससे पहले कुछ ना करे तो बेटर रहेगा उनके लिए। जी, रितु चैटर्जी जी, आपको भी आपका जवाब आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट जिन्होंने जो पूछा है वो है सुरेश भाई, जिनका बर्थ डेट है 8 दिसंबर 1948, और उनका जन्म समय एट है दिसंबर फोर्टी 8 दिसंबर 1948, जन्म समय है 7:35, बर्थ और प्लेस बर्थ प्लेस है उनका मढ़ी। आठ बारह
1948, उनका जन्म समय सुबह 7:35 मणि है। उनकी वृश्चिक लग्न कुंडली आ रही है। उनका जन्म लग्न का मालिक मीन राशि में है। अभी जो फिजिकल अवस्था उनकी डाउन दिखा रहा है, और उम्र भी है उनकी, तो शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र की महादशा में इनकी फिजिकल अवस्था में थोड़ी दिक्कत दिख रही है। ऑलरेडी शनि भी तीसरे भाव में बलवान होके पड़ा है, और 7:30 पनौती उनकी अभी शनि की चल रही है, जो उनकी फिजिकल अवस्था में ज्यादा परेशान करेगी। जी सर, वही उन्होंने वही उनके पूछा है कि उनकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि हेल्थ के बारे में ही वो ज्यादा परेशान है हेल्थ के ये लिए। हल्दी वाला दूध रोज रात को 1 गिलास पीना है। गरम दूध में हल्दी डाल के उनको पीना है। गणपति उपासना खास करें, क्योंकि विल पावर उनका थोड़ा डाउन हो रहा है ये समय में, मीन राशि में जो मंगल चल रहा है उसके कारण उनका जो विल पावर डाउन हो रहा है, यही उनके लिए बेटर रहेगा। गणपति उपासना करें और रोज रात को 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के रोज लेवे, यही इनके लिए बेटर है। जी सुरेश जी, आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। अगर जिनको भी ज़्यादा जानकारी लेनी है और ज़्यादा अगर कुछ जानना है, डायरेक्ट आप किरण जी का संपर्क कर सकते हैं। हम आपको लास्ट में उनका नंबर दे देंगे, तो आप पर्सनली भी उनको पूछ सकते हैं। और रही बात ये कि जो भी आप पूछ रहे हो अभी, ये सब टोटली फ्री है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। और आप पर्सनली भी अगर उनको कॉल करके कुछ भी पूछते हैं तो उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पैसा शायद सबको ऐसा लगता होगा कि ये प्रोग्राम हो रहा है तो इसके पीछे कुछ पैसा वैसा भी लगता होगा। क्योंकि मुझे कई लोगों ने ऐसा पूछा कि ये आप अभी इतनी जानकारी तो दे रहे हो, लेकिन बाद में अगर हम पर्सनली उनके पास जाएं तो कुछ चार्ज है या नहीं, तो हम वो क्लैरिफाइड आपको कर देते हैं कि कोई चार्ज वो नहीं लेते हैं। तो पर्सनली आप उनका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जिनका क्वेश्चन है वो है मोनिका जी। उनका बर्थ डेट है 3 जुलाई 73, और उनका बर्थ समय जो है वो है 9:10 रात का। उनका बर्थ प्लेस शायद उन्होंने नहीं लिखवाया है शायद। मकर लग्न की कुंडली है, लग्नेश 6ठे स्थान में से जा रहा है। जो फिजिकल अवस्था अभी थोड़ी डाउन है, क्योंकि लग्नेश अभी उनका सूर्य के नक्षत्र में है, तो हड्डियों से रिलेटेड उनका प्रश्न रहेगा। और सूर्य ऑलरेडी राहु के साथ में ग्रहण कर रहा है, मतलब उनके हड्डियों के रिलेटेड प्रश्न रहेगा, और वो भी पीठ के पीछे के भाग में, वो उनका एक प्रॉब्लम रहेगा। उनको गुड़ खाने को बोलिए, गुड़ खाएंगे उससे काफ़ी कैल्शियम बढ़ेगा, जो उनकी फिजिकल अवस्था को अच्छा फायदा रहेगा। और गौ माता को भी वो गुड़ वाली रोटी खिलावे, तो इनके लिए बेटर रहेगा। उन्होंने भी उनकी हेल्थ के लिए पूछा है प्रश्न कि उनका भी हेल्थ ठीक नहीं चल रहा है तो कैसे रहेगा। वही वही दिख रहा है उनकी कुंडली में अभी, क्योंकि मकर का जन्म लग्न आ रहा है और लग्नेश सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य ऑलरेडी अभी उनके 6ठे स्थान में से राहु के साथ में ग्रहण कर रहा है। जो फिजिकल अवस्था उनकी काफ़ी डाउन है, जो 1 महीना और भी दिक्कत करेगी। 15 अगस्त के बाद में उनकी फिजिकल अवस्था में काफ़ी अच्छा सुधार आएगा। जी मोनिका जी, आपको भी आपका आंसर मिल गया होगा। ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रीति सिंघानिया, जो सूरत से है, उनका बर्थ डेट है 28 अक्टूबर 78। हाँ जी, 28 अक्टूबर 78। उनका बर्थ प्लेस है सूरत, एंड जो टाइम है वो है 9:36 रात को। उनके बारे में आप थोड़ा सा बेसिक बताइए। उनका मिथुन लग्न कुंडली आ रहा है,
और चंद्र राहु के साथ में दिमाग एक जगह पे स्टेबल नहीं हो रहा उनका, और अभी जीवन में कुछ नया सुख और शांति पाने के लिए उनका अभी दिमाग चल रहा है, कहाँ से कैसे आगे बढ़ना है यही चीज पे उनका फोकस अभी दिख रहा है। जी इनका प्रश्न कुछ। उनका अभी वो इंटीरियर डिजाइनिंग के क्षेत्र में है, तो वो कैसे रहेगा, मतलब वो भी उनमें ही आगे बढ़े कि कुछ और नया सोचे? नहीं, इंटीरियर इंटीरियर डिज़ाइन में उनके लिए बहुत बेटर रहेगा, बहुत ही बढ़िया उनका है। जो उनके मानसिक अवस्था दिखा रहा है, एक स्टेबल डिसीजन वो थोड़े करना पड़ेगा, बाकी उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक जगह पे बैठना उनका स्वभाव नहीं है, भागते रहो, इंटीरियर डिज़ाइन का काम भी वही है, भागते जी रहो दौड़ते जी रहो, यही इनका काम है। और उनको भी एक जगह पे बैठ के एक जगह पे चिपक के काम करना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही उनकी प्रकृति भी है और उनका उसके नॉलेज लिए भी उनको उसमें। क्या करना चाहिए फिर, मतलब अगर बिजनेस को उनको आगे बढ़ाना है तो क्या करें फिर? उनको हर बुधवार को गणपति को सीफल और सब मिश्री देनी है। दूसरा, हर बुधवार को गरीबों को खमण खिलावे, चने की दाल से बने हुए खमण खिला, उससे उनकी प्रगति हो मेंटली सकती है। और फाइनेंशियली प्रगति होगी, बिजनेस में भी अच्छा फायदा उनको रहेगा। गरीबों को खमण खिलाना मतलब चने के आटे की कोई भी चीज वो कोई भी चीज गरीब को खिलाए। गरीबों को खिलावे, उनसे उनकी प्रगति रहेगी। प्रीति जी, आप गरीबों को चने की बनी हुई, आटे की चीज बनी हुई कोई भी आप खिला सकते हो, उसके उससे आपको फायदा होगा जरूर। लेकिन वो एक मतलब मेरी फैन है, मेरे दर्शक में से है, मतलब बिग फैन है मेरी। वो ऐसा भी पूछ रही है, अलग कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस ऐसा है कि वह उनका मेरे साथ रिलेशन कैसा रहेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिग फैन है मेरी। वो तो उनके ऊपर ही डिपेंड्स रहेगा, उसके पर्सनल रिलेशन पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनके दिमाग की उपज है। क्योंकि राहु जब चंद्र के साथ बैठता है तो उनका माइंड भी कभी कभी चेंज होता रहता है, तो वो तो अभी मैं अभी इसके बारे में नहीं बता जी, मतलब वो अभी आप खुद को खुद ही सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। और अभी नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है प्रतीक खीमानी जी का, उनका बर्थ डेट है 3rd मार्च 1991, उनका जन्म समय है मॉर्निंग 6:40 और बर्थ प्लेस है सूरत। उनको बेसिक, उनका कोई क्वेश्चंस नहीं है, बट बेसिक उनको उनके बारे में जानना है। उनकी 12वें स्थान में शनि राहु का शापित दोष हो रहा है, जो फिजिकल अवस्था उनकी थोड़ी डाउन दिखा रहा है, जन्म से ही कुछ ना कुछ फिजिकल अवस्था में होता रहता है। आज की तारीख में भी शनि खुद के स्थान से मतलब जन्म के शनि पे से पसार हो रहा है, जो थोड़ा विल पावर तो क्रिएट करेगा लेकिन थोड़ा फिजिकल उनको प्रॉब्लम करेगा, उनकी बॉडी में स्नायु का खिंचाव ज़्यादा रहेगा, पाचन क्रिया थोड़ी मंद करेगा, ये उनके लिए दिख रहा है। बाकी तो ध्यान क्या रखे करना हेल्थ चाहिए पे, सर उनको उनके लिए? उनके लिए काढ़ा है तुलसी के पत्ते का, वो आप पीजिए, उनसे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 10 तुलसी के पत्ते हैं, 4 काली मिर्च है, अदरक है, नींबू है, काला नमक है, पुदीना है, ये 2 गिलास पानी में उबाल के 1.5 गिलास रहे तब तक उबालना है, उसके बाद में 2 चम्मच शहद डाल के उनको डेली पीना है, उनसे फिजिकल अवस्था में काफ़ी अच्छा उनको फायदा रहेगा। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, क्योंकि आज हमें थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी देनी है, थोड़ा सा ग्रहों के बारे में भी थोड़ा सा बताना है। आज इतने ही क्वेश्चंस हम लेंगे, लेकिन जिनको भी पूछना है कुछ भी उनके बारे में, तो हमने बताया उसी तरह आप अपना भेज दीजिए डिटेल्स हमें अपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पे और फेसबुक मैसेंजर पे भी आप लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सर, पहले डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक नॉलेज हमें देना है,
जो सीखना चाहते हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी, वो कागज और पेन लेके मेरे ख्याल से बैठ गए होंगे और हमें ये सिखाना अब शुरू कर देना चाहिए। बेसिक जो आप नॉलेज देना चाहते हैं, सो सर प्लीज सर स्टार्ट करिए। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी कुंडली देख के करते हैं काफ़ी तरह से, जैसे पामेस्ट्री है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, काफ़ी ऐसे है, लेकिन जो वास्तविक एस्ट्रोलॉजी है वो कुंडली से देखी जाती है और वहीं से सब मालूम पड़ता है कि इंसान के जीवन में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। और एस्ट्रोलॉजी देखने के लिए 12 राशियाँ होती है, 9 ग्रह होते हैं और 27 नक्षत्र होते हैं। तो 12 राशियों का नाम एक तो पहले बता देते हैं। पहले मेष राशि है, वृषभ राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, तुला राशि है, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि है। ये 12 राशि है को भी एक मालिक दिया गया है जो 7 ग्रह से देते हैं। जैसे सूर्य को सिंह राशि का मालिक बताया गया है, चंद्र कर्क राशि का मालिक बताया गया है, मंगल को 2 राशि दी गई है, जैसे मेष राशि और वृश्चिक राशि मंगल को दी गई है, बुध को भी 2 राशि देते हैं, जैसे मिथुन राशि और कन्या राशि, ये दो राशियों का मालिक बुध बनता है। शुक्र को भी 2 राशि का मालिक बनाया गया है, जैसे वृषभ राशि और तुला राशि का मालिक शुक्र बनाया गया है, और शनि देव को भी 2 राशि का मालिक बनाया गया है जिसमें मकर और कुंभ राशि का समावेश होता है। सिर्फ 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिनको एक एक राशि दी गई है, जो सूर्य और चंद्र है। ये दोनों को एक एक राशि, जैसे सिंह राशि और सूर्य को दी गई है, चंद्र को कर्क राशि दी गई है, बाकी हर एक को दो दो राशि दी गई है। तो आज से ये सिखाना चालू करते हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, हर एक राशि का स्वभाव, हर एक ग्रह का स्वभाव, ग्रह क्या कर प्रभाव डालते हैं, राशि से क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब हम धीरे धीरे सिखाना चालू होंगे। अभी ये बेसिक आज से चालू करते ये मतलब बेसिक आपने जो बताया वो हैं। इसी तरह जी, से होगा, मतलब वो कैसे मतलब होंगे। 12 राशि है और 12 राशि के मालिक जो ग्रह है उनके जी बारे में आज बताया है। तो जी बाकी का भी हम नेक्स्ट में बताएंगे जो भी जी है। आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे वैसे वैसे हम लेते जाएंगे। तो ये बेसिक नॉलेज हमने थोड़ी सी टिप्स जैसा दिया है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में आपको थोड़ी सी ज्यादा जानकारी भी इनसे के बारे में हम देंगे। लास्ट में हम गुरुजी से कहेंगे कि हमारे जो दर्शक है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, और अभी की जो सिचुएशन है उसमें उनको क्या करना चाहिए सभी के लिए ओवरऑल। अभी जो परिस्थिति बनी है उसमें जैसे खुद को मेंटेन करो, खुद को मजबूत करो। जैसे दवाई लेके बोलते हैं ना कि अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाते हैं, वैसे ही अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ। आत्मशक्ति मंत्रों से बढ़ती है और मंत्र गुरु देते हैं। तो कल गुरु पूर्णिमा है, अपने गुरु के वहाँ जाइए, उनके प्रणाम करके उनके आशीर्वाद लेके मंत्र दीक्षा लीजिए और वो मंत्र दीक्षा से आप अपने जीवन का कल्याण कीजिए। वही अभी एक संदेश रहेगा। बहुत बहुत आभार आपका गुरुजी, और जिनको भी ऐसे ही ये एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना है, आपके बारे में जानना है, तो ज़रूर हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप आपकी डिटेल्स जल्द से जल्द भेज दीजिए, ताकि हम लोग जो एपिसोड्स करते हैं उसमें 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। सो जल्दी से आपकी डिटेल्स हमें भेज दीजिएगा, और हमारे चैनल को देखने के लिए आपको फेसबुक पेज लाइक करना पड़ेगा। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल का फेसबुक पेज है, उसको लाइक करिए। यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रम रहेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ में हमारी जो वेबसाइट है उस पे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी सोशल साइट्स पे आपको एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय गणेश। सिद्धांत अल्क कैड लिक्विड कैल्शियम नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर, इंडिया की एकमात्र कंपनी
जो FSSAI, USFDA, WHO GMP, ISO 45001 द्वारा प्रमाणित है। सिद्धांत अल्ककैड में कैल्शियम विटामिन D3 मैग्नीशियम है जो अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट नेचुरल एंटीबायोटिक है और ORP संतुलित करता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में एवं 70 से भी ज्यादा बीमारियों में सहाय करता है। सिर्फ 2 बूंद लिक्विड कैल्शियम रोज सुबह शाम 250 ml गुनगुने पानी में डाल के पीने से आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है। सिद्धांत लाइम प्राइवेट लिमिटेड।